यश बाबू न्यूज, खबरें सुपर फास्ट। यश बाबू न्यूज। विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने अपने जन्मदिन पर दिन की शुरुआत पौधारोपण करके की। विधायक ने कहा, एक सुनहरे कल के लिए प्रकृति को साफ सुथरा और हरा भरा बनाए रखना आवश्यक है, तभी उन्होंने पौधारोपण कर अपना जन्मदिन मनाया। विधायक देवेंद्र बबली ने पौधे लगाने की शुरुआत अपने गांव बिखाड़ी खेड़ा से की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को क्रिकेट और वॉलीबॉल किट दी और कहा कि युवा नशों व गलत कार्यों में ध्यान न देकर खेलों में अपनी रुचि बढ़ाएं, यही उनका संकल्प है। विधायक ने फॉरेस्ट विभाग व ग्राम पंचायत का भी धन्यवाद किया, जो इस कार्य में इन्होंने सहयोग दिया। सोच होनी चाहिए, आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको क्या देके जाएंगे, इसके लिए हम सब कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए इस बात में एक शुद्ध हवा हमारी आने वाली जनरेशन को भी शुद्ध पानी मिले, ताकि वह स्वस्थ जीवन जी सके और स्वस्थ जीवन स्वस्थ शरीर के साथ ही स्वस्थ भारत का निर्माण होगा, स्वस्थ हरियाणा का निर्माण होगा। इसलिए हमने पौधारोपण कर दिया, क्योंकि आज मेरे पूरे विधायक साहब गाँव की तरफ से, हमारी पंचायत की तरफ से, हमारे नंबरदार साहब की तरफ से, सभी ग्रामवासियों की तरफ से आज पौधारोपण का प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। गांव विधायक जैसे कि चूड़ा टोहनल का हरा भरा हो सके, और ये शुरुआत हमारे मेरे अपने गांव विधायक की हुई है, और ये मेरा सौभाग्य भी है कि आज मेरा जन्मदिन है। तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में गाँववासियों की तरफ से एक मुझे ग्रीन एरिया करने का तोहफा है। मैं सभी ग्रामवासियों का, नंबर साहबान का, नंबरदार का, डॉक्टर जी का, ताऊ जी का, दादा जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्पेशली डिपार्टमेंट का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, इनकी तरफ से भी पूरे हमारे एक मुहिम पूरे टोनल के में चलाएंगे कि मेरा टोनल का पूरा हरा भरा हो। उसमें डिपार्टमेंट के लिए मैं